यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलकेसी ने सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। जी हां, रूस की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलकेसी ने एक बड़ा दावा किया है और ये कहा है कि युद्ध के एक साल पर हमले की आशंका है। आपको बता दें, फरवरी में ही इस पूरे जंग को एक वर्ष होने वाला है और इसी तारीख को 24 फरवरी, ये वो तारीख है जिस पर चिंता जाहिर की है। कहा 24 फरवरी को रूस बड़ा हमला कर सकता है। रूस 5 लाख सैनिक जुटा रहा है, ये भी यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। 23 फरवरी को रूसी अटैक की आशंका जताई गई है। यूक्रेन की जो विदेश मंत्री, उन्होंने क्या दावा किया समझिए। यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी को बड़े रूसी हमले की आशंका उनकी तरफ से जताई गई है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा है कि 5 लाख रूसी सैनिकों को जुटाने का आदेश पुतिन दे चुके हैं, यानी कि एक नई ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं पुतिन टारगेट यूक्रेन को करते हुए। 23 फरवरी को भी एक बड़ा हमला कर सकते हैं पुतिन। आखिर ये 23 और 24 फरवरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि यही वो तारीख है जब से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग का आगाज हुआ था, यानी कि एक साल पहले, साल 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ, तो तब से लेकर अभी तक लगातार रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किए। और पिछले कुछ दिनों में तो देखने को भी मिला है कि किस तरह से अटैक किया गया था और एक साथ 9 जगहों पर टारगेट किया था। तो रूस की क्या बड़ी तैयारी है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले सवाल तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि आखिर रूस तैयारी क्या कर रहा है? कहीं पश्चिमी देशों से ज्यादा और भी ज्यादा हथियार ये कहें हासिल करने की, ये कहीं यूक्रेन की चाल तो नहीं है, इसे ऐसे भी देख रहे हैं? धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं, जैसे आप कह रही हैं कि रूस जरूर, फर्स्ट एनिवर्सरी है, 344 दिन हो चुके हैं, 365 दिन के आसपास एक साल हो जाएगा, और बैटल ऑफ स्टालिनग्राद के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी, जो दूसरे महायुद्ध का बहुत बड़ा एक बैटल है, उसके उपलक्ष्य में भी जो जिस प्रकार से पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश जो हैं वो मिल करके रूस के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नाजीज्म की जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि उस वक्त भी, और इस प्रकार जो जर्मनी है लेपर्ड टैंक देने की बात कर रहा है, तो ये साफ दर्शाता है कि रूस जो है चाहता है कि किसी प्रकार से भी यूक्रेन घुटने टेक दे, और वो भी 365 दिन होने से पहले। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की बार बार एक तरीके से घबराहट की आवाज उठ रही है यूक्रेन से कि रूस जबरदस्त हमला करेगा। इसलिए भी कोई शक नहीं क्योंकि रूस ने अभी तक तकरीबन हमले में अगर हम देखें 20% के आसपास ही अपने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। काफी कुछ वो बड़े हथियार हैं जिनका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। यही कारण है कि ज़ेलेंस्की बार बार मांग करें कि हमारे को फाइटर जेट दिए जाए, हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, हम अपने आप को किसी प्रकार से सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। और रूस चाहता है कि किसी भी तरीके से ही एक साल होने से पहले, और कुछ नहीं तो अगर युद्ध विराम की घोषणा भी होती है तो कम से कम जो पूर्व के इलाके हैं, जो दक्षिण के इलाके हैं जिसके ऊपर रूस का थोड़ा बहुत कब्जा अभी है और यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है काउंटर ऑफेंसिव में, तो उसके मद्देनजर अब ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि जिस प्रकार से जो हथियार उनको चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, जो हथियार आ रहे हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग पाने में भी उनको वक्त लगेगा, उनको ग्राउंड में लाने में वक्त लगेगा। हाँ। तो उससे पहले ही यूक्रेन जो है ऐसे लग रहा है कि हार मांगने को अब तैयार दिख रहा है। अच्छा, बिल्कुल, ये भी अपने आप में यही हो जाता है कि अचानक से इस तरह से अगर ये बात सामने आती है तो क्या ये एक टैक्टिक है या फिर वाकई में एक बड़ी साजिश है? सर, आप बने रहिए हमारे साथ में। दरअसल यूक्रेन के खेरसॉन पर रूस ने एक बार फिर से हमला किया है। खबर ये है कि इस बार रूस ने टारगेट किया है शॉपिंग सेंटर को। शॉपिंग सेंटर को रूस की सेना ने निशाना बनाया। धमाका यहाँ पर जोरदार हुआ और धमाके के साथ में जोरदार आग यहाँ पर लग गई। देखिए, रूसी हमले में यूक्रेन का बड़ा नुकसान हुआ है, ये भी बात इस दौरान कही जा रही। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये यूक्रेन में खेरसॉन में एक शॉपिंग मॉल है और शॉपिंग मॉल में देखते ही देखते यहाँ पर जोरदार धमाका होता है। शॉपिंग सेंटर की तस्वीर,
ये जो आपको धुआं नजर आ रहा है, दरअसल ये इसी धमाके का ही एक प्रभाव है। जब यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ, इस दौरान बताया जा रहा है कि यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ।